को काट कर पैसे ले गया है सब। कितने रुपए के थे? उसमें 1,02,100 रुपया एग्जैक्ट यही है। आपको जानकारी कब हुआ इस बात का? अभी हमको 7 बजे पता चला। गोल लगातनी समाचार बटुए छपरा से रिपोर्टर बानी कन्हैया कुमार सिंह जी। बड़ा खबर आ रहा बटुए, मसरक के चैनपुर स्टेट बैंक एटीएम में शटर काट के लाखों के चोरी, जांच पड़ताल शुरू। खबर का वास्तव बताई भोजपुरिया समाचार, मसरक बैंक के मैनेजर के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पोने बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतनी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। बताई भाला एटीएम जवन की 9 इंच ले कस कस के राखल रहेला, लेकिन एकरा पे भी चोर के निगाह गड़ी जाता है। बताई कवना तरीका से एटीएम मशीने के काट पीट के में के लाखों रुपया लेके चोर चलते बनल बाड़े। मसरक चैनपुर स्टेट बैंक परिसर में लागल एटीएम के शटर काट के 1,02,100 रुपया के चोरी कर लिहल गई। बतावत चली कि शनिचर के सुबह जब शौच करे लोग गई तो देखलस कि एटीएम के शटर खुलल बा। स्थानीय लोग के द्वारा बैंक मैनेजर के सूचना दिहल गई। मौका पे पहुंचल मसरक थाना पुलिस जांच पड़ताल शुरू कैल। डीएसपी नरेश पासवान के सूचना दिहल गई। मौका पे पहुंचल डीएसपी नरेश पासवान के नेतृत्व में बैंक में लगल सीसीटीवी या बैंक के आसपास में लगल सीसीटीवी कैमरा के जांच कैल गई। फिलहाल प्रशासन कुछो बतावे से परहेज कर रहल बा। वही जे ब्रांच मैनेजर मोहम्मद मुमताज आलम बतैनी कि सीडीए में जमा निकासी खातिर राखल गई 1,02,100 रुपया शटर काट के निकाल लिहल गई बा। वही जे कुछ स्थानीय लोग बतावल कि 1979 में बैंक खुलला के बाद चैनपुर में इतना बड़ा ऐसा पहलका वारदात हटुए, जहां चोर एटीएम के कटर से काट के आ नोट गायब कर दिले बड़े। बतावत चली कि पहले भी मसरक प्रखंड में ऐसा दूगो घटना हो चुकल बा, लेकिन प्रशासन के द्वारा ओह मामला के अभी तक कोनो खुलासा ना भई। लीप पोत के चपोत चपात के बोरिया में बंद कर दिहल गई। अब देखे के बा कि यह मामला में खुलासा होई कि उहे हाल रही ढाक के 3 पात। ओहिए कुछ लोग ये भी कहलस कि पुलिस अगर राजा पट्टी गोला आ मसरक में शटर काट एटीएम चोरी के खुलासा कैले होई तो फेरी दिन देखे के ना मिली। फिर से इतना बड़ा वारदात करे में चोर 100 बार सोचत। ओहिए कुछ लोग स्थानीय पुलिस के बारे में दबे जुबान कुछ और कहता रह, सवालों लोग उठा रहल बाड़े। बता दी कि दू गो कांड एकरा पहले हो चुकल बा, लेकिन प्रशासन हाथ को हाथ धरे बैठल बटुए। प्रशासन भी कुल हथियार बटुए, टेक्निकल हथियार से लेके वैज्ञानिक अनुसंधान तक, स्पेशल ब्रांच से कुल ब्रांच तक, लेकिन जब ऐसन मामला के खुलासा नहीं के हो तो चोर के तो मनोबल बढ़बे न करी। अब स्टेट बैंक के एटीएम के कटर से काट के हमें के माल 1,00,000 से ऊपर रुपया गायब कर दिले बाड़े। अब पुलिस पहुँचल बिया, सीसीटीवी खंगराए शुरू हो गई, अपराधी के लगले बयान आ जाए कि पहचान हो चुकल बटुए, लेकिन अपराधी पिछला मामला के अभी तक खुलासा ना भइल तो लोग कहता कि यह मामला के कैसे खुलासा हो, कैसे उम्मीद कैल जाओ कि यह मामला में भी अपराधी धरा जी हैं। हालांकि सवाल पुलिस प्रशासन पे भी उठ रहा बटुए, पेट्रोलिंग टीम पर भी उठ रहा बटुए, जवन गश्ती टीम बिया बैंक के भीड़ गोइल अनिवार्य होला, लेकिन यह तरीका से एटीएम के शटर काटल कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा बा। भोजपुरिया समाचार बैंक मैनेजर के बयान सुनावे जा रहा बा। बयान सुनी चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखा तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर करी, धन्यवाद। कल रात देर रात में 1:20 जो कि सीसीटीवी देखकर पता चला है, 1:20 में इस एटीएम को काट कर पैसे ले गए हैं सब। कितने रुपए? उसमें 1,02,100 रुपया एग्जैक्ट यही है। आपको जानकारी कब हुआ इस बात का? अभी हमको 7 बजे पता चला तो हम आए दौड़े दौड़े देखें।
तो भारतीय स्टेट बैंक है सर चैनपुर शाखा जी जी।